मनोहरपुर में आज चंपाई सोरेन ने हुंकार भरी है। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार पर खूब निशाना साधा है। चंपाई सोरेन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज ने। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार ये चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये भीड़ क्या कर रहा है? ये भीड़ जंगल के बीच में ये ऐतिहासिक भीड़ है। और मनोहरपुर सीट, ये जो मनोहरपुर सीट, ये गठबंधन अश्रु चंद्रमोहन भाई पर जीत सुनिश्चित है। एक बार कह रहे थे कि इस इलाके में आप घूम रहे थे, जैसे बता रहे थे सुदेश दा, तो आपका ये काफी पुराना इलाका है। ये हमारे बहुत सभी दोस्त लोग हैं, पैदल निश्चित तौर पे आंदोलन के समय पैदल चले हो, और ये पूरा इलाका जो है इनका है, और इन्होंने साफ शब्द कह दिया है कि दादा एक और सवाल दादा, ये दादा के लिए गया है, नहीं है कोई। एक और सवाल दादा कि जो सरना धर्म कोड को लेकर आप कह रहे थे खत्म कर दिया कांग्रेस, और ये कौन है मुंह से कहता है आदिवासी है तैसी, उनका साथ जो जोड़ी में खड़ा हुआ है वो भी उसी रास्ता में है। देखिए निश्चित तौर पे चंपाई दा ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो आदिवासी के हित की बात करता है वो वही कांग्रेस 1961 में सरना धर्म कोड को खत्म कर दिया था, यानी आदिवासियों के हित, और उसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ऐसे में ये साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस आदिवासियों के हित नहीं चाहती। यहाँ का भीड़ ये कह रहा है कि परिवर्तन है और इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन है, और उस परिवर्तन का ये भीड़ है। और पहाड़ और जंगलों के बीच जहाँ घोर नक्सल प्रभावित इलाका, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ कह रहा है कि इस बार परिवर्तन है और आसू पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, मनोहर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।